एक साथ काम कर रहे हो, है ना? हाँ, अभी तो कर रहे हैं। एक बात सुन लो, तुम चायंग को ज्यादा परेशान मत करना। तुम मुझे थोड़ा गरम दिमाग टाइप वाले लगते हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? बस फील आता है मुझे ऐसा। अंदर से मुझे बहुत शरीफ लगते हो, लेकिन अंदर से मिर्ची जैसे तीखे ही होगे। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं। तुम खाते क्यों नहीं? तो तुम्हें ये तीखा खा के बहुत मजा आ गया होगा, है ना? तुम्हें तो सच में मिर्ची पसंद है। ली यूंग, सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा? मुझे लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। बेकार की बातें छोड़ो, अपनी सेहत के बारे में सोचो। सुनो, मेरे मरने के बाद पहाड़ों में जाकर मेरे लिए प्रार्थना करना, ताकि मुझे शांति मिले। ऐसी बातें मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पता है, जब दूसरे लोग मर रहे थे, कभी सोचा नहीं था मेरी बारी भी आएगी। हमारा चेयरमैन बहुत कमीना है। जब मैंने खून की उल्टी की तो साला ऐसे चिल्ला रहा था जैसे कि वो मरने वाला है। अच्छा, अब ज्यादा बातें मत करो, चुप रहो और अब आराम करो, ठीक है? हाँ, अब सुनिए। मैं ठीक हूँ, मैं सब क्यों चन कर ली हूँ, समझे? ली योंग, एक्सक्यूज मी, क्या आप ही उनके गार्डियन हैं? जी हाँ, दरअसल मेरा दोस्त अनाथ है, मेरे अलावा उसका कोई नहीं है। अच्छा, ये तो बताइए कि आखिर उसको हुआ क्या है? दरअसल इसे क्रॉनिक माइलोजीनियस ल्यूकेमिया कहते हैं। ये जेनेटिक म्यूटेशन से होने वाली एक बीमारी है। क्या वो ज्यादा सिगरेट पीते थे या ज्यादा काम करते थे? हाँ, असल में सिगरेट तो थोड़ी बहुत ही पीता है वो, पर वो दिन रात काम में लगा रहता है। तो डॉक्टर, क्या यही वजह होगी? अभी तक हमें इसकी सही वजह पता नहीं चली है, पर ये बड़ी वजह भी हो सकती है। अच्छा, मेरा दोस्त बाबेल केमिकल्स में काम करता है, कहीं इसका उसके काम से तो कोई लेना देना नहीं है ना?